जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य ही बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। आज की वीडियो में आपको दोस्तों 24 नवंबर, 25 नवंबर और 27 नवंबर की तिथियों को जिन जातकों के सगाई और शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। यह जानकारी आपको गुरु के मार्गी होने से जो योग बन रहे हैं उसके आधार पर देने जा रहा हूं। वर्तमान समय में गुरु वक्री हैं और 24 नवंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे। इसके पश्चात शुभ लग्न यानी कि विवाह मुहूर्त का शंखनाद हो जाएगा और कई जातकों के शादी और सगाई के कार्यक्रम संपन्न होंगे। हालांकि नवंबर के महीने में जो है मिथिला पंचांग के अनुसार से 19 नवंबर से विवाह मुहूर्त है, वहीं दृक पंचांग के हिसाब से 21 नवंबर से विवाह के मुहूर्त है। लेकिन गुरु जो है वो 24 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं और 24 नवंबर, 25 नवंबर और 27 नवंबर की तिथि को आपकी सगाई और शादी संपन्न हो सकती है। तो इस वीडियो में आपको यह जो 6 राशियां हैं उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। इसके अलावा वास्तु दोष के चलते अगर शादी में बाधा आ रही है तो उस दोष को दूर करने के भी उपाय बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि राशि अनुसार से शीघ्र शादी के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा प्लैनेट ट्रांजिशन यानी कि ग्रह राशि परिवर्तन की जानकारी दूंगा, जिसके आधार पर जो है 6 राशियों के योग बन रहे हैं। 1 राशि के बारे में तो आपको पता ही होगा कि गुरु के मार्गी होने से मीन राशि के जातकों के तो 24 नवंबर के बाद विवाह मुहूर्त और शादी के जो है योग प्रबल बनेंगे। तो आइए उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की प्राथमिक जानकारी दे देता हूं। तो केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के आधार पर दी जाती है। अगर आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो चुकी है और शादी में विघ्न बाधा आ रही है, शादी तय नहीं हो रही है, तय होने के बाद टूट जा रही है या किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, साथ ही ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति अथवा पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी उम्र कितनी होगी, यह सभी जानकारी जो है संतान योग, राजयोग, कैरियर, कारोबार, यह सभी जानकारी जो है आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक दी जाएगी। आप दोनों माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो आप मौखिक यानी कि टेलीफोन पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या आप लिखित यानी कि कुंडली बनवाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। कुंडली अगर बनी हुई है तो आप कुंडली दिखाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए भी मामूली शुल्क ली जाती है। अगर नहीं बनी है, अगर बनाना चाहते हैं तो आपको बनाकर पूर्ण जानकारी दी जाएगी, इसके लिए भी मामूली शुल्क ही ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। वहीं अगर आपकी शादी तय हो चुकी है, शादी आने वाले महीने में यानी कि नवंबर दिसंबर में शादी होने वाली है तो आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी आपको ज्ञात हो जाएगी कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। ज्योतिषों की माने तो नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। अगर करते भी हैं तो उससे पूर्व दोष का निवारण अवश्य करा ले। ऐसा माना गया है कि नारी दोष लगने पर विवाह उपरांत 1 साल के पश्चात किसी न किसी प्रकार की
परेशानी जीवन में आ जाती है और यह लंबे समय तक परेशानी रहती है। वहीं भकुर दोष में भी इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें संतान के योग, आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, वित्तीय परेशानी हो सकती है। कई अवसर पर आपके तलाक के भी योग बन सकते हैं। तो आप अपने नजदीक में किसी प्रकार पंडित ज्योतिष से संपर्क करें, था केपी कीवानी पर आपका स्वागत है। वहीं अगर आप अपने बच्चे की कुंडली बनाना चाहते हैं, नामकरण करना चाहते हैं, संपत्ति क्रय तिथि, वाहन क्रय तिथि, गृह प्रवेश तिथि, सगाई, शादी और उपनयन तिथि की जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप केपी कीवानी से अवश्य संपर्क करें। हमारा नंबर है 8521835670 8521835670। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि गुरु मार्गी होंगे 24 नवंबर को, तो उसके आधार पर जो मीन राशि के जातकों के तो योग बनेंगे ही। इसके अलावा जो है राहु वर्तमान समय में जो है वो मेष राशि में उपस्थित है, और जब राहु किसी राशि में उपस्थित रहता है तो उस राशि के जातकों के शादी में बाधा आती है। हालांकि अगर आयु 27 वर्ष से अधिक है तो बाधा नहीं आएगी और ऐसे जातक के लव मैरिज के भी योग बनते हैं। वहीं गुरु वर्तमान समय में मीन राशि में है, शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, बुध जो है धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे उन दिनों में, सूर्य जो है वृश्चिक राशि में ही उपस्थित रहेंगे। और बात करें शनि की, तो शनि मकर राशि में वर्तमान समय से लेकर 17 जनवरी तक उपस्थित रहेंगे। तो यह तो मैंने आपको प्लैनेट ट्रांजिशन के बारे में बताया है। आइए अब मैं आपको विवाह मुहूर्त की जानकारी दे देता हूं। तो नवंबर 24 के दिन जो है गुरुवार की तिथि है, विवाह मुहूर्त 3:04 संध्या काल से संध्या काल 7:37 तक है, नक्षत्र अनुराधा है जबकि तिथि प्रतिपदा है। वहीं नवंबर 25 की शुक्रवार तिथि है, मुहूर्त जो है देर रात 10:45 से अगली सुबह 6:52 तक है, नक्षत्र जो है वो मूल है और तिथि तृतीया है। अगली तिथि जो है वो 27 नवंबर की है और दिन रविवार है, मुहूर्त रात्रि में 9:34 से प्रातःकाल 6:54 तक है। नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्र उत्तर साढ़ा है जबकि तिथि पंचमी है। तो यह मैंने आपको ग्रह राशि परिवर्तन और विवाह मुहूर्त की जानकारी दी है। आइए अब मैं आपको राशि अनुसार से शीघ्र शादी के योग और उसके उपाय बताता हूँ। तो मेष राशि के जातक भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें, ओम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। वहीं वृषभ राशि के जातक माँ दुर्गा की पूजा करें एवं दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि वाले जातक माँ पार्वती और शिव जी की पूजा आराधना करें। कर्क राशि वाले जातक भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करें और शिवाष्टक या शिव चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि वाले जातक रोजाना प्रातःकाल सूर्य देव का दर्शन करें एवं आदित्य सौहृदम स्त्रोतम का पाठ करें। कन्या राशि वाले जातक माँ दुर्गा के दर्शन करें एवं गणेश चालीसा का पाठ करें। तुला राशि वाले जातक राधा कृष्ण के दर्शन करें एवं ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि वाले जातक शिव जी के दर्शन करें एवं शिव के द्वादश नाम का उच्चारण करें। धनु राशि वाले जातक भगवान श्री हरि विष्णु जी के दर्शन करें एवं गुरु का पाठ करें। मकर राशि वाले जातक हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि वाले जातक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा करें और माता सीता की पूजा करें, साथ ही उनका दर्शन करें। मीन राशि वाले जातक श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करें, साईं बाबा के दर्शन करें और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र के 9 माला जाप प्रतिदिन करें, इससे योग बनने लगते हैं। आइए अब मैं आपको वास्तु दोष के बारे में बता देता हूं। तो यदि मंगल दोष के कारण विवाह में विलंब हो रहा है तो कमरे के दरवाजे का रंग गुलाबी रखें। विवाह योग युवक और युवती के कक्ष में कोई खाली टंकी, बड़ा बर्तन आदि ना रखें। भारी वस्तु भी उस रूम से यानी उस कक्ष से हटा दें। विवाह योग्य युवक
और युवती जिस पलंग पर सोते हैं उसके नीचे लोहे की वस्तुएं या व्यर्थ का सामान बिल्कुल ना रखें। यदि विवाह के पूर्व लड़का लड़की घर वाले की रजामंदी से मिलना चाहे तो बैठक व्यवस्था इस प्रकार रखे कि दोनों की मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर न हो। यदि घर के मुख्य द्वार के समीप वास्तु दोष लगता है तो विवाह की बात अन्य स्थान पर करें। अगर घर में बिटिया जवान है और उसकी शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए कन्या के पलंग पर पीले रंग की चादर बिछाएं, उस पर कन्या को सोने के लिए कहें। कन्या का जो सिर है वो उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि वायव्य कोण में रहना चाहिए। साथ ही बेडरूम की दीवारों पर हल्का रंग ही रखे। ध्यान रहे कि कन्या का शयन कक्ष वायव्य कोण में ही रहना चाहिए। आइए अब मैं आपको राशियों के बारे में बता देता हूं। तो मेष राशि के जातकों के लव मैरिज के योग हैं, चूंकि वर्तमान समय में राहु मेष राशि में उपस्थित है। अगर आपका नाम अक्षर ALE से शुरू होता है आपकी राशि मेष होती है, और अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो 24-25-27 तीन दिनों में जो है PRM नाम के जातक से आपके लव मैरिज के योग बन रहे हैं। यानी इनमें से किसी एक जातक के साथ अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आपके लव मैरिज की 100% संभावना है। अगली राशि वृषभ राशि है। चूंकि मंगल का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में हो रहा है, वृषभ राशि में जो है मंगल वक्री चाल चलकर पुनः 11 नवंबर को प्रवेश करेंगे, और इसके चलते वृषभ राशि के जातकों के भी लव मैरिज के योग बन रहे हैं। चूंकि वृषभ राशि और मेष राशि के जातकों के लव मैरिज के योग बनते हैं तो इसके योग तब बनते हैं जब पंचम भाव सप्तम भाव लग्न भाव में राहु केतु शनि या फिर मंगल की उपस्थिति हो या उसकी दृष्टि बने। तो वृषभ राशि के जातकों का नाम अक्षर BUV से शुरू होता है, और इस नाम के जातक के THP इनमें से किसी एक नाम के साथ शादी हो सकती है। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं और इनमें से किसी एक नाम के साथ आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आपकी लव मैरिज की संभावना प्रबल है। बात करें वृषभ राशि की तो वृषभ राशि के लड़कों के शादी के प्रबल योग है। चूंकि वृषभ राशि में जो है शुक्र का गोचर हो रहा है, और इसके चलते वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। वृषभ राशि के जातकों का नाम अक्षर NY से होता है, और बात करें विवाह की तो S नाम के जातक से आपके विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए हर शुक्रवार को शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें। अगली राशि धनु राशि है। गुरु का मार्गी होना धनु राशि के जातकों के लिए मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। तो धनु राशि के जातकों के जो है 20वें वर्ष से शादी के योग बनते हैं, और अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग बन रहा है। शीघ्र विवाह के लिए हर बुधवार को भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। वहीं आपके आराध्य देव जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी है, तो भगवान श्री विष्णु जी को अवश्य प्रसन्न करें। इनका पीला रंग शुभ होता है तो आप पीले रंग का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। अगली राशि मकर राशि है। तो शनि का जो गोचर है वर्तमान समय में मकर राशि में है, और 17 जनवरी 2023 तक जो है मकर राशि में ही रहेंगे। तो मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग तो बन ही रहा है। हालांकि मकर राशि के ऐसे जातक हैं जिनके विवाह के योग बन रहे हैं, यह योग जो है लव मैरिज के हैं, तो अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए शुभ योग है। विवाह जो है QHY नाम में से किसी एक जातक से हो सकता है। शीघ्र विवाह के लिए चंद्रमा को जल में सफेद फूल डालकर शुक्ल पक्ष के दिनों में अर्घ देना श्रेष्ठ कर होगा। शिव जी का दुग्धाभिषेक करना भी आपके लिए श्रेष्ठ कर होगा। अगली और अंतिम राशि जो है वो मीन राशि है, और गुरु के मार्गी होने से यह शुभ योग मीन राशि जातक के साथ 6 अन्य राशियों के भी बन रहे हैं। तो मीन राशि के जातकों के 24 नवंबर के पश्चात शुभ योग बन रहे हैं। इनकी शादी जो है उत्तर पूर्व दिशा में होने की संभावना बन रही है। बात करें नाम की तो SGV नाम में से किसी एक जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। हालांकि मेष राशि के जातकों के साथ पढ़ने सूत्र में बनना श्रेष्ठ कर होगा, क्योंकि दोनों ही मैत्री राशि हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको उन 6 राशियों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग
बन रहे हैं, और नवंबर में जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो 24 नवंबर, 25 नवंबर और 27 नवंबर इन तीन दिनों में शादी के 100% योग बन रहे हैं। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। ज्योतिष पंचांग मान्यता, धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें अथवा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से आवाज से संपर्क करें। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाए। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी का सिंह कृपा बनी रहे, परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहेगुरु।